बहन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो आज मेनली बात मैं करूँगा, जो मेरी रणवीर सर से जो बात हुई है उसके बारे में आपको बताऊँगा, और लास्ट में ऑडियो भी सुनाऊँगा आपको कि क्या क्या बात हुई है। तो सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट को बोलना चाहता हूँ जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और वो ट्विटर पर जो है वो ना ही ट्वीट करते हैं और ना ही कुछ, और दूसरे कैंडिडेट को भी डिमोरलाइज करते हैं कि यार इस बार जो मेरिट हाई जाएगी या कुछ होगा। मेरिट तो छोड़ो दोस्तों, आप बातें ये सभी, लेकिन आपने इकट्ठे फॉर्म भरा, इकट्ठे आपकी दौड़ हुई, इकट्ठे आपका मेडिकल हुआ, इकट्ठे ही री मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी मिलकर क्यों ना इकट्ठे ट्विटर पर इस मुद्दे को ट्रेंड करवाएं। रणबीर सर आपको आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई 12 नवंबर को सारे लोग दिल्ली राजघाट पर आएंगे। दिल्ली तो दूर है दोस्तों, दिल्ली तो अभी तो आप हम ही भर रहे हो, लेकिन अभी तो ट्विटर पे तो 21 तारीख को रणवीर सर ने क्यों रखा है, वो देखना चाहते हैं आपको कि ट्विटर पर जो है, जो मैंने मुहिम छेड़ी है ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट ज्वाइनिंग, ठीक है, वो ट्विटर पर कितना मतलब जो है आप इसे ट्रेंड करवा सकते हो, ट्विटर पर कितना ट्रेंड करवा सकते हैं। अगर ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं तो क्या पता राजघाट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें, सरकार पहले ही कुछ नोटिस और अल्टीमेट्स दे दे हमें। इसलिए रणवीर सर ने 21 तारीख को सुबह 11 बजे ये जो हैश टैग जो है अभी जारी नहीं किया, उन्होंने बताया मेरे को कि हैश टैग जो है बाद में जारी करेंगे, हम इससे पहले डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे हैश टैग को। और हैश टैग में स्पेशल वो चार पांच जो है लाइनें लिख देंगे बढ़िया सी राइम करके, एक दो स्लोगन, और जो आपका मेन मुद्दा है उसके बारे में लिखेंगे। और उसको आप लोगों ने अभी ट्विटर नहीं है जिसकी आईडी, अभी ट्विटर जो है वो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लो और अपनी आईडी क्रिएट कर लो। अगर किसी ने ट्वीट किया है उस पर आप तीन चीज़ें कर सकते हो, लाइक कर सकते हो उसको, रीट्वीट कर सकते हो, और नंबर तीसरा कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो एक ही आईडी से तीन बार आप वो चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बाद आप और भी फ्रेंड के मोबाइल में जो है ट्विटर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तरह तरह की तो अपने लोगों ने ऐप्स रखी होती, कई बोलते जी हमारे पास ट्विटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यार अदर ऐप्स भी तो रखी हुई है आपने, ट्विटर में क्या है, ट्विटर तो नॉर्मल सी चीज़ है यार। किसी भी दोस्तों, किसी भी मुद्दे को आज के ज़माने में अगर ट्रेंड करवाना है ना, तो ट्विटर से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ठीक है। मीडिया आपके पास नहीं आएगा, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो ट्विटर तो यार क्या है, मोबाइल चला रहे हो इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। रणवीर सर बार बार इतना मतलब झांप रहे हैं ना हमें, कि बोल रहे हैं यार तुम लोग जो है फालतू की बातें करते रहते हो इधर उधर ये वो, लेकिन ना ही रीट्वीट करता है कोई, ना ही कुछ। लेकिन 21 तारीख को मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे साथ आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि रणबीर सर के जो है वो ट्विटर पर फॉलो कितने दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को कि कितने फॉलोअर्स हैं उनके, हम 85,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, लगभग 85 के ऊपर ही चले जाएंगे जो मेडिकल फिट होंगे हम। और इनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं अभी दोस्तों, ये 14.2 मतलब 14,200 के समथिंग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 14,200 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर रणबीर सर को जो है वो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने कैंडिडेट, शर्म की बात है यार। तो मतलब कहाँ से ट्वीट करोगे आप, क्या करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने कम कैंडिडेट जो हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं। इनकी आईडी है दोस्तों @RanveerCRPF, ठीक है, आप ट्विटर पर ये सर्च करोगे तो ये पेज खुल जाएगा इनका। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार ये क्यों कर रहे हैं रणबीर सर हमारे लिए, सोचो इनकी एज कितनी आपको पता है, 60 साल से ऊपर हैं ये, तो ये तो कहीं नेता तो बनेंगे नहीं यार, ये पब्लिक एजेंडे को मतलब मीडिया के सामने लाके हमारे एजेंडे को अपना फ़ायदा सोचेंगे, ये सोचो हमारे लिए लड़ रहे हैं तो अपना फ़ायदा सोच रहे होंगे इसमें, आप सोचो ना क्या फ़ायदा होगा इनको, कुछ नहीं, इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना नहीं है, लेकिन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, समाज सेवी बोलते हैं, ठीक है, एक समाज सेवा करते हैं। तो हम लोग जो हैं अपने हक के लिए नहीं लड़ा जा रहा हमसे, ना ही ट्विटर पर हम ट्वीट कर रहे हैं, ना ही कुछ ना कुछ, और दिल्ली बोलते जी चलो दिल्ली सारे चलो दिल्ली, जब दिल्ली आने की बात आएगी ना सभी की धरी रह जाएगी, कोई नहीं आएगा दिल्ली तुम लोग। और जो जिन कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा है ना, और वो सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये होगा, क्या पता SSC का क्या है वैकेंसी कम कर दे, तो उन्होंने स्पेशल लिखा होता उसमें कि जो वैकेंसीज का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो उनके हाथ में होता है, गृह मंत्रालय के हाथ में, वो कभी भी वैकेंसी जो ध्यान से पढ़ना, हिंदी में भी लिखा होगा, हिंदी का जो पैराग्राफ होगा, वैकेंसी जो है वो
भर्ती स्टेज के पहले मतलब कभी भी घटाई जा सकती है और बढ़ाई जा सकती हैं। अगर 60,000 से उन्होंने 20 एकदम लेस कर दी, फिर 40 पे रख दिया, तो अब कई कैंडिडेट ज्ञान पे लेंगे मेरे को कमेंट में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लिखा है उन्होंने स्पेशल, ठीक है। जैसे हिमाचल में ST कैंडिडेट की एक वैकेंसी उन्होंने कम की थी, नोटिफिकेशन में 5 थी, लास्ट में भी जो उसमें रिवाइज़ हुआ था उसमें 4 रह गई थी, ठीक है, अभी 4 वैकेंसीज हैं, तो इसमें कम भी कर सकते हैं वो। अगर 60,000 से 20,000 ड्रॉप कर दी तो जो जिनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा है उनका क्या होगा, सोचो आप यार। तो आपको जागने की ज़रूरत है, सभी लोग सभी भाई लोग जो है वो मिलके इस लड़ाई को लड़ें, चाहे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम हैं, अगर आप साथ चले हो ना स्टार्टिंग से तो एंड तक साथ में चलना दोस्तों। ज्वाइनिंग के बाद भी आपकी जो पोस्टिंग होगी आपकी कहीं भी, तो आपको आपस में साथ में ही चलना होगा। जो यार इस लड़ाई में साथ नहीं दे पाएगा ना, तो उसे उम्मीद मत करना कि आपकी वो लास्ट में वो साथ देगा, मुझे तो नहीं लग रहा दे पाएगा। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है 21 तारीख को, हाथ जोड़ के मेरी आपसे प्रार्थना है कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे आप सभी को ट्विटर पर जो है मुद्दा पूरे दिन भर ट्रेंड करवाना है ये ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और साथ में जो हैशटैग है वो आपको डिस्क्लोज़ किया जाएगा, रणबीर सर उसी दिन सुबह डिस्क्लोज़ कर देंगे आप सभी को कि हैशटैग क्या रहेगा, और तुरंत सभी ग्रुप्स में वो शेयर हो जाएगा, और हैशटैग तुरंत आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर सभी को टैग कर देना, विपक्ष पार्टियाँ जितनी भी है सभी को, ठीक है, तभी जाके हमारी भर्ती का कुछ होगा। और फालतू का जो ये मेरिट मोड होगा कि मेरिट कितनी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा इससे। अगर तरीके से उन्होंने ऑल फिट मेडिकल ऑल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलवा दी तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं दिलवाई उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज़ का एजेंडा है वो बढ़ा दी तो भी ठीक है, उसके बाद प्लस हम वेटिंग लिस्ट भी लेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो वेस्ट बंगाल की पुलिस का रिजल्ट, बिहार पुलिस का रिजल्ट, प्लस यूपी पुलिस का रिजल्ट, ज्वाइनिंग हो गई इन सभी की, ठीक है। तो मैक्सिमम जो SSC कैंडिडेट से उनकी ज्वाइनिंग इसमें हो गई है, तो वो अपने स्टेट की नौकरी ही करेगा, वो नहीं जाएगा ऑल इंडिया में, नहीं घूमना चाहेगा, वो अपने स्टेट की नौकरी रहेगी वहीं करेगा। तो जो इसमें भी सिलेक्टेड होंगे जिनके ज्वाइनिंग लेटर तक आ जाएंगे लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वैकेंसी खाली रह जाएगी। अगर वो वैकेंसी वेटिंग लिस्ट डालते हैं तो जो दूसरा भाई होगा नीचे जिसके कम नंबर होंगे उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होगा इस बार, आप जो है 21 नवंबर को सुबह 11 बजे याद रखना, रणवीर सर ने जो है आपका मतलब एक समझ लो कि टेस्ट लेने के लिए बोला हुआ है कि भाई हम देखना चाहते हैं कितने कैंडिडेट आते हैं हमारे साथ, यार फॉलो करो इनको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 14,000 हैं, कहाँ हम 50,000 भी फॉलो कर दें इनको तो क्या है, कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में उन्होंने 12 तारीख को राजघाट को 12 नवंबर को आमंत्रित किया है आपको, ठीक है। वहाँ ना जाना पड़े मैं तो बोल रहा हूँ, अगर ट्विटर पर ही हमारा काम हो जाए 21 अक्टूबर को, ठीक है, ये जो 21 आने वाली अक्टूबर को, तो वहीं पे जो है हमारा सब कुछ एजेंडा जो ख़त्म हो जाएगा, सरकार अगर हमारी बात मान ले। तो दोस्तों जो बोल रहे थे ना दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा, अरे दोस्तों एक बार आप जन सैलाब लेकर तो आओ अपने साथ। महाराष्ट्र में देखा था किसान एक दिन ही रुके उतरे थे सड़क पे, सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, जो भी मांगे थे उन्होंने बोला ठीक है भैया आप घर जाइए, हम आपकी मांगे मान ली हैं और आपका आपका हक दिया जाएगा। ऐसे ही SSC GD का भी होगा दोस्तों, अगर आप सभी एक साथ उतर के आते हैं ना दिल्ली, जो यूपी के कैंडिडेट है वो तो सारे आ सकते हैं दिल्ली यार, हरियाणा के सारे आ सकते हैं, पंजाब के आ सकते हैं, राजस्थान सारे आ सकते हैं, MP के भी आ सकते आधे, और बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं वो भी बहुत सारे आने के लिए तैयार है। तो मैं तो बोलता हूँ जैसे भी पॉसिबल होता है अपने साथ, ज़रूरी नहीं ST जो ये SSC कैंडिडेट ही आएगा, अपने साथ एक दो फ्रेंड ले आओ, घूम भी जाओ दिल्ली यार, देख जाओ अपने दोस्त हैं अपने, वहाँ अरेंजमेंट कर लो रहने के लिए, नहीं तो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं वहाँ पर रह लो एक दिन, कुछ नहीं होता यार, दिल्ली भी घूम जाओ इसी बहाने आराम से। और अपना ख्याल रखें, प्रॉपर सैनिटाइज़र लेकर आएँ, मास्क लेकर आएँ, बढ़िया बढ़िया बैनर बना के लेके आएँ 12 तारीख को। और दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, इससे स्मार्ट फौजी भाई से आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ मैं, और जो है कि किसी भी तरह के कमेंट हों आपके, हर कमेंट का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और हर भाइयों को यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जानकारी सभी तक पहुँच जाए। और अब मैं जो है वो यहाँ पर जो रणबीर सर ने कुछ ट्वीट किए हैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ट्वीट किया है वो यहाँ पर, ये नीचे आओ तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट ट्वीट है इनके, ये देख लो दोस्तों। क्या किसी साजिश के तहत
युवाओं को लंबी भर्ती प्रक्रिया के तहत ओवर एज किया जा रहा है, आइए गांधी समाधि राजघाट मिलकर आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये देखो इन्होंने, और कितने टी ट्वीट हुए, 1119 दोस्तों टोटल। ठीक है, टोटल 1119 टी ट्वीट हुए। क्या है यार, तुम क्या ट्वीट कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और दोस्तों जो इनके मार्क्स ज़्यादा है ना, मैं उनको बता दे रहा हूँ, आप भी आइए यार इस लड़ाई में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने फिर समझाया आपको, इनका क्या है, 20,000 वैकेंसी कम भी कर सकते हैं ये। अब किसी को लगेगा कि फालतू का ज्ञान फैल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों। कमेंट में भद्दी भद्दी गालियाँ भी लिखेंगे, मुझे पता है। चलो जो है, सभी को बोलने की आज़ादी है इंडिया में, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन दोस्तों ये देखो, इन्होंने रणबीर सिंह दी वॉइस ऑफ अर्ध सैनिक क्या ट्वीट किया है यहाँ पर इन्होंने, ये देखो, 2015 से लगातार SSCGD के 50,000 युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो 2015 के युवा थे, 5,000 युवा जो बच गए थे उसमें, तो उससे भी कुछ उस भर्ती में प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों। जो SSCGD के उसके पद खाली रह गए थे 5,000, वो तो खैर उसके थे एक्स सर्विस मैन के। सुरक्षा बलों में 1,00,000 से अधिक पद खाली, 2 साल में नहीं हुई भर्तियाँ। देखो दोस्तों ये बोले थे, ये कटिंग भी डालेंगे हम, रणबीर सर जी बोल रहे थे कि इस तरह के कटिंग डालेंगे हम, ताकि जो है वो सरकार को हम सौंपेंगे इसको, और ये कटिंग उस दिन डालेंगे जिस दिन ट्विटर पे हम 21 अक्टूबर को ट्रेंड करवाएंगे, तो ये भी डालेंगे कि भाई नित्यानंद जी ने बताया था 1,00,000 से ऊपर पद खाली हैं, तो क्यों ना इस भर्ती से वो सारे कैंडिडेट उठा लिए जाएं। चलो आपको अब मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ यहाँ पर सर की, कि सर ने क्या बोला था यहाँ पर। मैं आपको रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, रिकॉर्डिंग ये, ठीक है दोस्तों। तो ये रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, रणबीर सर को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो ये देख लो दोस्तों आपके सामने है ये, कहीं धोखाधड़ी नहीं आपके साथ, आवाज़ तो पहचानी होगी रणबीर सर की आपने। तो यहाँ पर ये देखो, 17 अक्टूबर है ना, 17 अक्टूबर की जो है 11:32 की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो क्या है कॉल रिकॉर्डिंग में, सुनिए आप ध्यान से, सुनना इस कॉल रिकॉर्डिंग को, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, क्या हाल चाल है सर? ठीक हूँ, बोलिए। और सर जो 12 नवंबर के लिए हमने वो रखा हुआ है राजघाट, तो उसमें सर जो मतलब क्या क्या हमारे वो रहेंगे मांगे मेन? आपको नहीं मालूम, आपसे मेरी कई बार बात हुई है। ना ना, वो तो है, लेकिन एक हुई है ना। हाँ, एक चीज और ऐड करनी है ना सर इसमें। क्या? कि जैसे कि ये है ना, जैसे हमारी जो वेटिंग लिस्ट के लिए बोल रहे हम, ठीक है, या तो फिर सारे मेडिकल फिट कैंडिडेट को उठाएं ये, क्योंकि उसमें हमारा ये मेडिकल फिट कैंडिडेट इसलिए उठाएं क्योंकि जो मैक्सिमम बहुत सारे, जैसे बिहार पुलिस हुई, यूपी पुलिस हुई, वो तो हमारी, देखो हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई मेडिकल फिट कैंडिडेट को जो है ट्रेनिंग दी जाए, हाँ सभी मेडिकल, ये हमारे एजेंडे में है, टॉप में। हाँ, टॉप एजेंडे में ये है सर। हम ये कह रहे हैं कि जब आप उसको 60 तो आप ले ही रहे हैं, हाँ, बचे 25, हाँ, मोटे मोटे तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दो। हाँ, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए ताकि उनको प्रायोरिटी पे ले। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये दो ही मुद्दे हैं मेन। हाँ मेन तो, मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा मुद्दा हो तो बताएं। ना ना ना, वो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना SSCGD के सर, और बहुत जगह हम लोग क्योंकि ज्वाइनिंग कर चुके हैं, कि वो की टेबल वो खाली जाएंगी फिर, नहीं तो अगर बेटी नहीं डाले यार, हम अगर ये रोड़े में पड़ेंगे कि सर बहुत सारे लड़के वहाँ वो हो गए, कुछ ज्वाइनिंग हो गई, हाँ, कुछ ये हो गई, तो वो फिर वो रायता फैलता है। अच्छा अच्छा, क्या हम सीधे तौर पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर 25,000 जो 60 में से जो बचे हैं, हाँ, 60 तो इनको लेने ही, हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इससे अगर इन जवानों को आप लेते हैं तो इससे कौन सा बजट में घाटा आएगा? नहीं नहीं आएगा। ऊपर से 25,000 घरों में दिवाली बनेगी, हाँ, खुशियां आ जाएंगी। सरहद पे चाइना हड़बड़ाएगा। 25×7 कर दो आप, तो मतलब एक घर में 7 बंदे तो होते ही हैं, सभी की मतलब खुशियां आएंगी। हाँ, 7 नहीं 10 17 बोलिए। हाँ 17, उसकी बहन भाई भी हैं, उसके
हाँ, चाचे ताऊ भी हैं, जो इतनी तो सारी कहने का आर्थिक है। मतलब यही है कि भाई ये निर्भर करता है लोगों के आने पे। हाँ लोग बोलेंगे कि साहब जो है ना एक दिन का, अरे एक दिन तो आके देखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जो एक बार बात कही थी ना कि वो जो महाराष्ट्र में से किसान आए थे, तो हाँ, वो हकीकत है। हाँ इतने लोग आ गए कि गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए कि हाँ वो तो बोलेगा यार। इनको क्या करें, हाँ इशू बन गया। हाँ बिल्कुल सही। और ऑर्डर करने पड़े कि नहीं भाई, इनको किराया भाड़ा दे के, गाड़ियां दे के, इनके चप्पल जूते खरीदवा के दे दो। हाँ जल्दी से है, वैसे COVID-19 चल क्यों रहा है। क्यों नहीं ऐसा। अब ये अपने उसमें लगे हुए हैं, मेरी मेरिट क्या है, मेरे कितने नंबर है, मेरा ये है वो हाँ है। ये हाँ बहुत तो सारे यहाँ हैं। भी साले अपर लोअर, यहाँ भी जो है मतलब गलत टाइप के मैसेज धारणा है। हम ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। हाँ हम है थोड़े से कुछ भी कह लीजिए, ये चीजें लड़कों की समझ में आनी चाहिए कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी गवर्नमेंट जिस दिन आपका रिजल्ट निकाल दिया, हाँ फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं, कोई भी नहीं बोल पाएगा, क्या बोलेंगे। कुछ कोई भी नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर ये। तो ये जो है लोगों को संदेशा जाए हम कि भाई, सर अपनी तरफ से ना पूरा कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना भी है तरह तरह के बैनर होर्डिंग बना के लोगों को जागरूक कर हाँ रहे सोशल हैं। मीडिया में फैले सारा आदमी। अभी देखो, अभी 21 21 को हम लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं, हाँ ठीक 21 है। को उस दिन पता चल जाएगा सर सारे कैंडिडेट के कितने बंदे आप सर्वे ये में। बताओ ट्विटर हाँ जी हाँ ट्रेंड कहाँ से होगा जब बंदे ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। आप फेसबुक की ऐसी तैसी कर रहे हैं, हाँ आप व्हाट्सएप पे फुद्दू बना रहे हैं लोगों को, तो बिल्कुल सही बात है। ये चीज बहुत शर्मनाक होगी अगर अगर आपका कहीं किसी पायदान पर ट्रेंड नहीं हुआ। हाँ तो ये जो है एक सरकार की निगाह रहती है ना भाई। हाँ बहुत ही मतलब नकारात्मक सोचें होती हैं इसमें, बंदे हो गए कई सोचते हैं पता नहीं क्या ट्विटर से क्या होगा। लेकिन जो मेरा मानना है सर कि ट्विटर पे जब हम एक बार ट्रेंड करवा देंगे, पूरा दिन भर ट्रेंडिंग में रहा ना हमारा मुद्दा, तो सरकार भी हिल जाएगी। ये हमने उसमें, कई लोग बोलते हैं सर क्या लिखा है उसमें, लिखा क्या है भाई उसमें, यही लिखा है कि भाई ज्वाइनिंग दो, हाँ अदरवाइज हम राजघाट पे आ रहे हैं। और क्या बताइए, और क्या लिखें उसमें। और सर एक ना आप बढ़िया सा वो बनवाना उस दिन के लिए ना, मतलब अपना लिख के ना बढ़िया सा एक टैग लाइन प्रॉपर से, उसी को सभी लोग जो है ना वो फॉलो करेंगे और रीट्वीट विद कमेंट उसी में करेंगे सबसे ज्यादा, कि भाई एक थोड़ा सा ना 5-6 लाइनों का एक वो लिख के बनाना। फिर उसके बाद जितने भी हम रीट्वीट करेंगे या ट्वीट करेंगे ना। देखिए हम लोग एक तो हैशटैग बना रहे हैं भाई, चल हाँ मतलब जो है ये मेडिकल फिट कैंडिडेट को जो है वो ज्वाइनिंग दे। हाँ हैशटैग वो फिर आप बनाना। उसके बाद हम 4 लाइन वैसे लिख रहे हैं। हाँ बढ़िया सी लिखना ना प्रॉप जो आप लिखते हो सर, राइम करके बढ़िया। हाँ बस एक उसमें एक अखबार की कटिंग भी लगा रहे हैं जिसमें उसका बयान है, हाँ किसका, हाँ गृह मंत्री की, 1 लाख का। 1 लाख का उसमें निशान निशान। डिटेल भी है, उसमें डिटेल भी है सोर्स वाइज। हाँ छोटी कटिंग है एक हमारी, हाँ मेरी हिंदुस्तान टाइम्स की स्टेटमेंट की है, वो उसी में से मैंने निकाल रखा है हाँ वहां। जी हाँ तो जी हाँ जी देखा था मैंने आपने ये डाल जो रखा है ये था। मैटर जो है ये ठीक बनेगा, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन लोग अभी देखो ना कितने लोग आए हैं ट्विटर पे, अब बताइए हम वोट मांग रहे हैं क्या। हम तो ये कह रहे हैं भैया तुम मत सर मेरे को मैं ना फॉलो करो। मतलब मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाकर मतलब वो डाला हुआ है कि रणबीर सर जी जो है वो उनको क्या मिलेगा, सोचो आप वो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि उन्हें कुछ पद पोस्ट मिल रही है या कुछ अरे हो रहा है, नहीं, हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि तभी तो मैं कोई उनको ना। आदमी, तो हमने 6 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हाँ हैं, सोचो ना मैंने अगर मैं बोला। किसी पार्टी में जाता तो हाँ मुझे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेरा आंदोलन 3 दिन हो जाता पैरामिलिट्री का। हाँ जी बिल्कुल सर, लेकिन ये है ना मैं उनको समझाता हूँ कि सोचो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं वो, तो मतलब उनको क्या फायदा है। ये तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं अब किसी पार्टी में जाना है, ये वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे परिवार के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना उनका साथ दें। बिल्कुल 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 बस बिल्कुल इस तरह के मतलब वीडियो बना बना के ना हम अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, चाहे FB हो चाहे ट्विटर पे, कि भाई इनका साथ दो आप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। कई कैंडिडेट तो ऐसे जिनके पास ट्विटर ही नहीं है, आप सोचो तो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ट्विटर तक नहीं उनके पास मोबाइल ट्विटर नहीं है, में। तुम वैसे जो है झाड़ते हो बकवास उस पे आके।
वही तो, कमेंटिंग बातें तो करते रहते हैं। जी। चलिए मैं थोड़ा सा कहीं पे प्रेस वगैरह कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को निकलना है कहीं चलो ठीक है सर, आप दिल्ली तो। में रहते हो सर ना? अच्छा, मैं अभी इधर नोएडा में रहता हूँ सर। हाँ तो आप उस पार हो, हम इस पार। यार एक जो है ना नोएडा में, एक काम कर दो आप, बताओ। हाँ मैं 4 दिन पहले, हम जी, चाहते हैं कि एक ये जो आपके नोएडा में जितने भी जो टीवी के सेंटर है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, टीवी के। इनमें यार एक अखबार की वो मतलब एक स्टेटमेंट देनी है कि भाई आप हमारा ये फंक्शन है, इसको कवर करें। अच्छा, उस दिन है ना सारे मीडिया वाले बाहर और मेम्बर को ना। हाँ, हाँ ठीक है तो सर, ये कोई अगर आप कर दोगे तो बड़ी बात है। मैं आपको जो है ना वो मैं मेटर टाइप करवाऊंगा हाँ तो वो मीडिया को चला जाए। ये एक काम, वहाँ फिल्म सिटी में वो सारे के सारे हैं, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, तो करवा आपका दूंगा। जो है ना ज़्यादा नहीं 2-3 घंटा लग जाएगा। चलो कोई नहीं, करवा दूंगा मैं। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, अब उधर उस साइड में हो तो ये काम करवा दीजिएगा। चलो ठीक है सर, करवा चलिए दूंगा। ठीक है फिर। और जो है नहीं, मैंने देखा आपके जो विचार हैं वो मैंने वाच किए हैं, हाँ जी, बिल्कुल वाजिब, बहुत अच्छा, शाबाश, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। जय तो दोस्तों ये थी रणबीर सर के साथ बातचीत, कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जानकारी जो है सभी भाई लोगों तक पहुँचे, जो हमारे मेडिकल फिट होंगे और DME प्लस RME फिट होंगे, उन सभी कैंडिडेट तक ये आवाज़ पहुँचे, और जो हमारी आवाज़ है रणबीर सिंह सर, वो हमारी आवाज़ को जो है गृह मंत्रालय तक पहुँचाएँ, ताकि हम सभी का भला हो जाए। जय हिंद साथियों, जय भारत।